Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Main hoon Zamil Jaz aur zamiljaz.com mein aap logo ko khush aamdeed kehta hoon. Viewers, is video mein hum baat karne ja rahe hain ki hum kis tarah se Google AdSense ko approve karwa sakte hain. To agar aap ye jo cheeze main bataunga aap follow karenge तो ज़रूर एडसन आपको अप्रूव हो जाएगा. अगर नहीं होता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अपनी साइट चेक करवा सकते हैं. अगर उसमें कोई मसला हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ इम्प्रूव करें तो आपका एडसन अप्रूव हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको एक डोमेन रजिस्टर्ड करानी है, वो .com हो या नेट की हो. बाकी एक्सटेंशन के ऊपर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने .com ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ. वेबसाइट किसी के ऊपर आते हैं तो वेबसाइट्स आप ब्लॉगर के ऊपर बना सकते हैं या वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं. जब आपकी ये साइट बन जाएगी तो आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर सबमिट करवा देना है. इसके बाद आपने आर्टिकल्स लेने हैं, 30 से 60 आर्टिकल हों, और ईजाइन आर्टिकल को यूज़ करते हुए आपने आर्टिकल उठा लेने हैं वहाँ से. यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी अपनी आर्टिकल उठाने हैं. तो ये आर्टिकल्स आ गए हमारे डिजाइन के, यहां से उठा सकते हैं. और आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं वहां से आप उठा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है. यहां से आपने आर्टिकल्स उठा लेने हैं किसी से भी नीच के रिलेटेड, या जो आपकी रिलेटेड नीच है वो आपने वहाँ से आर्टिकल उठा लेने हैं. उठाने के बाद आपने सिंपल कॉपी करने को, और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल स्पिन बोर्ड, एक वेबसाइट है यहाँ से आप आर्टिकल को स्पिन कर सकते हैं. आर्टिकल को कॉपी करना है, और आर्टिकल को कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट के अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है. जैसे स्पिन बोर्ड में आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये आपको स्पिन करके दे देगा, आपका आर्टिकल यूनिक हो जाएगा. अगर नहीं भी होता फिर भी आपने स्पिन कर लेना है और अच्छा रहता है. स्पिन करने के बाद आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देना है. जब आपके वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल 30 से 60 पब्लिश हो जाएंगे, कभी 30 पे भी अप्रूव हो जाता है, कभी 60 पे भी, तो 60 बेहतर है अगर आप 60 डाल देते हैं. पेजेस जो हैं ये वाले आपने ऐड कर लेने हैं, पॉलिसी, अबाउट, ये जनरल पेजेस होते हैं, सबको पता होता है. मेन जो प्रॉब्लम होती है प्राइवेसी पॉलिसी, उन लोगों को लिखना नहीं आता, तो आप पॉलिसी प्राइवेसी जनरेटर .info के ऊपर जाके आप जनरेट कर सकते हैं. तो ये तमाम वेबसाइट आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, परेशानी की बात नहीं है. तो ये आपको फ्री जो है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम URL लिख के जब नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको इस तरह करके वो एक पूरी पॉलिसी प्राइवेसी जनरेट करके दे देगा. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्क्लेमर पे, और ये भी सेम है, आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. फिर आपने जब ये तमाम चीज़ें कर लेनी हैं तो 15 से 30 दिन आपने वेट करना है. आपकी वेबसाइट जो है जब इंडेक्स हो जाएगी, अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो आपने चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है या उसके पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हैं. तो आपने गूगल में साइट कॉलन और अपनी वेबसाइट का नाम लिख के जो वेबसाइट हो गई वो लिख के एंटर करेंगे, तो अगर रिजल्ट शो होगा तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है गूगल एडसेंस को अप्लाई करने का. आपने एक न्यू जीमेल अकाउंट बनाना है इंग्लिश नेम के ऊपर, फिर एडसेंस की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ से आपने कंट्री अप्लाई करते टाइम UK या USA या जर्मनी रखनी है. मैं रिकमेंड करता हूँ UK को, USA क्यों नहीं करना,
क्योंकि उसमें टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है और बहुत से उसके मसले आते हैं। तो यूके इज बेस्ट। ओके, यूके या जर्मनी। इसके बाद एड्रेस और नेम आप फेक नेम जनरेटर डॉट कॉम से ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ। साथ दूसरी भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप कोई भी एड्रेस उठा लें अप्लाई करने के लिए। नेम यहाँ से उठा के जीमेल बना लें, या एड्रेस एडसन अप्लाई करते टाइम आप अमेरिका है तो या फिर आप यूनाइटेड किंगडम कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड आपका नेम आ जाएगा। तो ये वो वेबसाइट है, यहाँ से आपको फ़ोन नंबर मिलेगा यूके का। तो अप्लाई करते टाइम जाहिर बात है वो कोड भेजते हैं नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो आप ये नंबर देंगे तो यहाँ पे जिस तरह ये मैसेजेस आए हुए हैं आपको भी मैसेज आ जाएगा और आप अपना वो वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई हो जाएगा, नंबर भी हो गया, एड्रेस यहाँ से आपने उठा लेना है, एड्रेस भी हो गया। इसके बाद जो नई चीज अगली चीज़ आती है वो है ट्रैफिक। वैसे तो एडसन के ऊपर ऐसी ट्रैफिक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो भेजें तो अच्छी बात है। तो आप हेडली भी यूज़ कर सकते हैं, या ट्रैफिक स्प्लिट जो है ITPS जो सॉफ्टवेयर है आप उसको यूज़ करके ट्रैफिक भेज सकते हैं। हेडलीप का सबको पता होगा और इसका भी पता ही होगा सबको जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। फिर आपका जो एडसेंस है वो 3 से 5 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है यूके यूएसए, अगर आपका यूके का एडसन है तो यूके की पिन की ज़रूरत पड़ती है और ना तो यूएसए का। तो इसके लिए जो एड्रेस है वो आपने फेसबुक के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने किसी अच्छे से ग्रुप में ब्लॉगर जिस तरह ब्लॉगर्स के ग्रुप होते हैं वहाँ पे जाना है, अपने पोस्ट करना है आई नीड यूके पिन सर्विस और यूएसए जिस जो आपने एडसन बनाया है। वो कोई भी भाई जो होगा वो आपको एड्रेस देगा। एड्रेस जो है वो $10 में मिलता है, $10 से $15 में, $10 से $15 में आपको मिल जाता है। तो आपने सिंपल वो एड्रेस चेंज करना है, जो वो भाई एड्रेस देंगे वो एड्रेस दे देंगे ना, वही आपने रहने देना जो पहले आपने दिया था। नेम की जरूरत नहीं है, कोई भी नेम हो जरूरत नहीं है। फिर आपने जैसे ही एड्रेस चेंज करेंगे, एड्रेस ये चेंज आपने $10 या £10 होने से पहले करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एड्रेस चेंज हो गया, फिर आपने $10 अगर आपका यूएसए कहे तो $10, अगर यूके कहे तो £10 कि जब बनेंगे तो पिन जनरेट हो जाएगी जो आपने नया एड्रेस डाला होगा उसके ऊपर। जैसे पिन जनरेट होगी, आपने जिस दिन पिन जनरेट होगी आपने वो स्क्रीनशॉट लेके उस भाई को सेंड कर देना है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यूएसए की जो है वो पिन 21 दिन 20 दिन लगते हैं, यूके की 3-4 दिन और हफ्ते के अंदर आ जाती है, मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं। इसके बाद आपने पेमेंट जो है वो आपने लेनी है पियोनियर बैंक की थ्रू। सिंपल आप अपने पियोनियर के अंदर लॉग इन हो, वहाँ पे आपको बैंक दिए होते हैं, यूके का दिया होता है और यूएसए का दिया होता है। आपने सिंपल यूके का एडसेंस, यूके है तो यूके का एडसेंस की डिटेल आपने कॉपी करके ऐड कर देनी है एडसेंस में, तो आपकी पेमेंट विड्रॉ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लेंगे। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव करने करके दिखा दूंगा कि ये किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि आप गूगल एडसेंस को सेल करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एक एडसेंस जो होता है वो 3,000 4,000 विदाउट पिन वेरीफाइड चला जाता है, बिक जाता है, 2,000 का भी बिक जाता है, जितने का चला जाए जहाँ पे, और अच्छा बिजनेस है ये भी। आप एक साइट से काफ़ी ज़्यादा एडसेंस भी
प्रूव करवा सकते हैं, लेकिन वो डेंजरस होता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी एडसेंस कहीं और भी लगा सकते हैं, तो जहाँ मर्जी हैं लगाएं, एक साइड से प्रूव करवा के दूसरे पे लगा लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।